हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आज लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो कि कुर्ला का काफ़ी प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर अक्सर हज़ारों यात्रियों का आना जाना लगे रहता है, और इसी में आज दोपहर एक ऐसी आग लगी और इस आग में पूरा जो डोमेट्री होता है वो जलकर खाक हो गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक डोमेट्री बन रही थी और ये डोमेट्री बनने का काम जो है वो दोपहर से चल रहा था, और वेल्डिंग जो हो रही थी उसी वेल्डिंग की कुछ चिंगारी कुछ ऐसे चीज़ों पर लगी जिसकी आग इस कदर फैली कि वो आग जो है पूरे डोमेट्री को जलाकर खाक कर दी। बहरहाल राहत की बात ये थी कि किसी की जाने नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और तमाम छोटी सी गलती जो है हज़ारों यात्रियों की जान लेने के लिए काफ़ी थी। लेकिन किसी की जान तो गई नहीं, लेकिन एक लापरवाही ज़रूर सामने आई कि ऐसे ठेका दे करके तमाम ऐसे डोमेट्री के काम को बनाए तो जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मोड़ी लापरवाही के चलते एक ऐसी आग लगती है और यह आग देखते ही देखते विशाल रूप ले लेती है। अब इस आग को लेकर के जो लापरवाही हुई है उसको लेकर ये देखना है क्या विभागीय जांच होती है, और इस आग को लेकर एक छोटी सी गलती हज़ारों लोगों की जान के साथ आ पड़ी है। इसको देखकर ये लगता है कि इस पूरे मामलात को लेकर पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और जो भी इसमें दोषी है उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए। अब इस तमाम डोमेट्री को लेकर जो आग लगी है उसकी झांकियाँ देखिए। पहली चीज तो रेलवे गाड़ियां सारी शुरू हैं, सिर्फ हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद किया हुआ था जिसको अभी और 15-20 मिनट में चालू कर देगा। सप्लाई बंद की हुई थी क्योंकि केबल सारे उधर पता नहीं कौन से जो शॉर्ट हो रहे हैं, तो उसका कहीं और असर नहीं है, तो उसको सप्लाई को फेजेस में धीरे धीरे करके चालू करेंगे। इसकी वजह से कुछ उधर के टर्मिनल्स अभी बंद है, उनको जल्दी से चालू करते हैं जिससे टिकट्स ले सकें। पैसेंजर्स के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 बंद था जो हम चालू कर रहे हैं इमीजिएटली। रह गया सवाल कि आग कैसे लगी, अभी ये जांच का विषय है, बहुत निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया है, वो लोग बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पर एक काम चल रहा था जिसमें एक पॉड होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था, जिस तरफ से ऐसा लगता है कि आग लगी है क्योंकि उसके बराबर में जनाहार है, वहाँ पर लोग बैठे हुए थे उस समय, पैसेंजर जिनको निकाला गया, लेकिन वो किस वजह से लगी है क्योंकि इस समय कोई स्टाफ उनका है नहीं, यहाँ पर उन लोगों को बुलाया गया है, देखते हैं उसमें क्या निकल कर आता है। सर इसके ऊपर कुछ कार्रवाई या फिर जांच की जाएगी? जांच पूरी होगी, लेकिन कार्रवाई का सवाल तो जांच के बाद ही होगा, उसके बाद ही फिर देखेंगे। सर कुछ यात्रा अभी मेरे को बताया गया 3 है ट्रेन जो मेल एक्सप्रेस आने की, सर कितना नुकसान हुआ है रेलवे का अभी बता पाना मुश्किल है। ऐसे ये अभी तो इस समय पहले आग बुझा ले, ट्रैफिक रिस्टोर कर ले, पैसेंजर्स को राहत दे सके, उसके बाद ही सब असेसमेंट होता रहेगा। किधर है कोई इंजर्ड है वगैरह? नहीं, कोई इंजरी नहीं है, कोई डेथ नहीं है, कुछ नहीं। सर एक सवाल ये भी है कि आग लगी जांच है, लेकिन बहुत कम समय में आग ने विकराल रूप ले लिया, तो ये एक बहुत बड़ी वजह। और देखिए अभी तो वो सारा काफी वक्त लगा, तो आग तेजी से अगर फैली है तो कुछ उसमें क्या मटेरियल था, अब तो सब जला हुआ है, इसमें राख पड़ी है। फॉरेंसिक टीम आएगी, वो डिसाइड करेगी, देखेगी क्या चीजें थी जिसकी वजह से तेजी से आग लगी। सर क्या यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम था, क्या ड्रिल लिए गए थे, चेकिंग की गई थी? फायर फाइटिंग सिस्टम यहाँ पर बिल्कुल था, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हम लोग रखते हैं छोटी आग के लिए, क्योंकि हर स्टेशन पर तो आप फायर ब्रिगेड रख नहीं सकते, तो फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज भी किए गए हैं, जो बाहर का जो एरिया है वहाँ से पहले खिड़की से यूज किया गया, शीशा तोड़कर यूज किया गया, लेकिन आग बड़ी थी इसलिए फायर ब्रिगेड को पहले बुलाना पड़ा। सर जब आग सिलेंडर यहां पे आग लगी, गैस सिलेंडर के लिए परमिशन वगैरह नहीं थी, ऐसे पता चल रहा है क्या? जन आहार बराबर में है तो खाना बनेगा, सिलेंडर तो चाहिए होंगे ना। लेकिन गैस सिलेंडर के लिए परमिशन नहीं थी ऐसा सुनाई भी दे रहा है। देखिए वो अभी जांच में पता लगेगा, मैं अभी उस समय कह नहीं पाऊंगा। अभी मेरे पास 3 ट्रेनों का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन डिपार्चर होना बाकी है। हाँ नहीं, जो अराइवल पर खड़ी हुई थी इसीलिए प्लेटफॉर्म नंबर 1 को जल्दी से जल्दी चालू कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेनें इस तरफ से जाती हैं, तो देखते हैं जितनी जल्दी टर्मिनेट होने वाली ट्रेन का क्या। अभी इट इज टू अर्ली टू से कि कौन कौन सी ट्रेन है, अभी 10 मिनट हुआ है आए हुए, देखने के लिए सर बताते हैं। सर जिस जगह आग लगी नीचे
सब फटेगा, अब अंदर सब फटेगा। कैमरामैन नाविद कुरैशी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।